नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने शो देश डायरी में। मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूं वो तमाम जानकारियां जो आपको कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों की नई नई तकनीकों से अवगत कराते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज की देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर और जानते हैं इन पन्नों में क्या है खास। अब देश के सबसे प्रगतिशील 100 किसान देश के अन्य किसानों को प्रोफेसर बनकर गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण देंगे। ये प्रशिक्षक किसान 31 मार्च तक देश के 15,000 किसानों को प्रशिक्षण देंगे। प्रत्येक किसान 31 मार्च तक 30-30 किसानों के 5 प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगा। प्रत्येक शिविर के लिए प्रशिक्षक किसान को ICAR 1,00,000 रुपए देगी। ICAR ने लुवास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर जगबीर रावत के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत देश के 100 प्रगतिशील किसानों को अन्य किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया है। ये वे किसान हैं जो उन्नत खेती करने के लिए देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। ये प्रशिक्षक किसानों को साधारण भाषा में गौ आधारित जीरो बजट खेती करने का प्रशिक्षण देंगे। किसानों की एक कंपनी के तहत हरियाणा के भगाना में जल्द ही एक गौ कृषि अधिशणी संस्थान की स्थापना भी की जाएगी जो किसानों को गौ आधारित जीरो बजट खेती के प्रचार और किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए काम करेगा। डॉक्टर रावत ने बताया कि 31 मार्च के बाद योजना का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा जिसमें देश के अन्य किसानों को प्रशिक्षक के तौर पर शामिल कर प्रशिक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। ये योजना 1 वर्ष तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएगी। 29 मार्च को हरियाणा के एक गांव में पहले चरण का समापन समारोह हरियाणा किसान आयोग और HU के साथ मिलकर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण व्यवस्था और प्रशिक्षण को धरातल पर जोड़ने के लिए ICAR हर प्रशिक्षक किसान को 5 प्रशिक्षण शिविरों के लिए 5,00,000 रुपए देगा। विदेशों से मंगाई जाने वाली हींग अब भारत में पैदा की जा सकेगी। जी हां, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के घर घर की रसोई में अपनी खास पहचान बनाने वाली हींग का उत्पादन भारत में नहीं होता है। दरअसल ये अभी तक अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान और बलूचिस्तान जैसे विदेशी धरती पर पैदा होने वाले पौधे हैं। फेरुल फोइटिडा के रस को निकाल कर और सुखा कर बनाई जाती है, लेकिन अब भारतीय किसान भी इस पौधे की खेती कर सकेंगे। इसकी शुरुआत इंडियन कॉफी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर विक्रम शर्मा के हाथों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र से होगी। इसके लिए हींग के बीज ईरान से मंगवाए गए हैं। डॉक्टर विक्रम शर्मा ने कहा कि भारत में हींग की मांग बहुत ज्यादा है। दुनिया में हींग का 40% आयात भारत में ही होता है जिसकी वजह से भारत में हींग बहुत महंगी बिकती है। 34,000 से 35,000 के भाव से बिकने वाली हींग अगर भारत में पैदा की जाए तो बहुत कम कीमत में भारतवासियों को हींग उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही इन्होंने कहा कि हींग बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर सहन कर सकता है, इसीलिए पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती एक अच्छा विकल्प है। इससे हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में मिर्च की खेती बढ़ने से सप्लाई बढ़ी है जिसका असर मिर्च की कीमतों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि मिर्च की कीमतों में बढ़ोतरी की जगह गिरावट की आशंका है। हालांकि मसाला कंपनियों की ओर से और इंटरनेशनल मार्केट से मांग बढ़ने के कारण इसकी कीमत में आने वाली गिरावट थोड़ी रुक सकती है, ऐसा केवल अनुमान लगाया जा रहा है। देखा जाए तो इन तीनों राज्यों में लाल मिर्च का प्रोडक्शन 20% ज्यादा रहने का अनुमान है। जहां मिर्च तोड़ने का काम पीक पर चल रहा है, वहीं लाल मिर्च की प्रीमियम वैरायटी तेजा की कीमत पिछले साल के 140 रुपए प्रति किलो से गिरकर 80 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इस मिर्च का मुख्य तौर पर एक्सपोर्ट किया जाता है। कीमत में गिरावट के कारण निर्यातक इसकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल उत्पादन कम रहने के अनुमान से मिर्च की कीमत काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद इस साल इसकी खेती के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। एक्सपोर्टर्स बेहतर क्वालिटी वाली मिर्च खरीद रहे हैं। मिर्च की प्रमुख एक्सपोर्टर पाप्रिका ओलियोस इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर AP मुर्गन ने कहा कि मिर्च की जबरदस्त मांग है, खास तौर पर चीन और वियतनाम से। ऐसी खरीदारी के मद्देनजर इंडस्ट्री को लगता है कि इसकी कीमत मौजूदा स्तर पर स्थिर रह सकती है।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी जानकारी है और वो ये है कि यहाँ के जिन गांवों में बिजली नहीं है उन गांवों के लिए यहाँ की सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। जी हाँ, और वो योजना ये है कि सरकार ऊर्जा विकास निगम के जरिए सोलर सिंचाई पंप बांटेगी। इस पर 85 से 90% तक अनुदान भी दिया जाएगा। यदि किसान सब्सिडी के बाद बची शेष राशि भी एक मुक्त चुका नहीं सकता तो वह सरकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से ऋण भी ले सकता है। प्रदेश के सभी जिलों में 5000 पंप दिए जाने हैं। सोलर पंप के जरिए 500 फीट से भी पानी खींचा जा सकता है। किसान एक साथ 3 फसल भी बो सकते हैं, पर्याप्त सिंचाई मिलेगी। अगर बात करें सोलर पैनल पर सब्सिडी की तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड सोलर पैनल पर 40% सब्सिडी देती है, जिसमें किसानों को 20% डाउन पेमेंट देना होता है, शेष पर लोन मिलता है। बात करें 3 HP सोलर पंप की तो इसकी कीमत 4,15,000 रुपए है। इसमें सरकार 1,29,600 रुपए सब्सिडी देती है। इनमें किसानों को 83,000 रुपए डाउन पेमेंट जमा कराने होंगे, बाकी 2,02,400 रुपए बैंक देगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। यहाँ की सरकार ने लीची के बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को सहायता राशि देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत राज्य में 7 जिलों को चुना गया है। इसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला शामिल है। इस योजना को लागू करने को लेकर बिहार राज्य बागवानी मिशन ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत इन जिलों में 5000 हेक्टेयर लीची और आम के बाग के लिए सहायता राशि दी जाएगी। किसानों को योजना की जानकारी देने के लिए लीची के सभी प्रमुख क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कराने को कहा गया है। लीची में उपयोग होने वाले सभी तरह की जरूरतों को किसान मेले और शिविरों के जरिए खरीद सकते हैं। बाग की लीची का कीड़ों से बचाव, दवा का छिड़काव, लीची तुड़ाई के बाद नुकसान को न्यूनतम करने के उद्देश्य से प्लास्टिक क्रेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के तहत स्वीकृत राशि में से जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के आधार पर सहायता राशि का खर्च का कोटा भी तय किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 18% और जनजाति के लिए 1% राशि खर्च के लिए सुनिश्चित की जाएगी। ये सहायता की राशि लाभ प्राप्त करने वाले किसानों के खाते में सीधी भेजी जाएगी। जानकारियों से तो हम आपको यूं ही रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि देश में अगले महीने गेहूं का आयात विदेशों से सुस्त क्यों पड़ सकता है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेले के बारे में जो बिहार के गांधी मैदान में लगा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देश में अगले महीने यानी मार्च के बाद गेहूं का आयात रूस, फ्रांस और यूक्रेन से सुस्त पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने विदेशी निर्यातकों से कहा है कि वे अपनी खेप को मिथाइल ब्रोमाइड से उपचारित करके निर्यात करें, लेकिन यूरोप और काला सागर क्षेत्र में इस कीटनाशी गैस के प्रयोग पर पाबंदी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देश डायरी में। देश में अगले महीने यानी मार्च के बाद गेहूं का आयात रूस, फ्रांस और यूक्रेन से सुस्त पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने विदेशी निर्यातकों से कहा है कि वे अपनी खेप को मिथाइल ब्रोमाइड से उपचारित करके निर्यात करें, लेकिन यूरोप और काला सागर क्षेत्र में इस कीटनाशी गैस के प्रयोग पर पाबंदी है। देश में रूस, फ्रांस और यूक्रेन से गेहूं का आयात फिलहाल भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने के बाद रासायनिक गैस से उपचारित किया जाता है। भारत की प्लांट क्वारंटी अथॉरिटी 31 मार्च के बाद निर्यातक देश में खेप को मिथाइल ब्रोमाइड से उपचारित किए जाने के बाद ही इसे स्वीकार करेगी। इससे गेहूं के आयात पर तो अंकुश लगेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ यहां के किसानों को भी काफी राहत मिलेगी। देश के किसान अगले महीने नए सीजन की गेहूं की कटाई करेंगे। गौर किया जाए कि देश में पिछले साल के मध्य से 50 लाख टन से अधिक गेहूं का आयात हो चुका है, जो पिछले एक दशक की सबसे अधिक सालाना खरीद है। अप्रैल में गेहूं की नई फसल आ जाएगी, इसलिए सरकार आयात को धीमा करने की कोशिश कर रही है। 22 से 25 फरवरी तक राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला बिहार के गांधी मैदान में शुरू हो गया है। इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब,
और बिहार सहित कई राज्यों के 2000 कृषि यंत्र व्यवसायी और कृषि निर्माता कंपनियां शामिल हुई हैं। मेले में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बांग्लादेश, इजराइल आदि देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। इसमें कृषि मशीनरी प्रशिक्षण केंद्र हिसार, बुधनी, बीकानेर के वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया है। इस मौके पर राज्य के कृषि मंत्री रामविचार राय ने कहा कि विभिन्न कृषि यंत्रों को मेला या मेले से बाहर खरीदने पर भी अनुदान दिया जाता है। मेले में प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। इस मेले का आयोजन कृषि विभाग CII के सहयोग से कर रहा है। राजस्थान के किसानों के लिए एक अच्छी जानकारी है और वो ये है कि यहाँ की सरकार ने किसानों पर लगाया गया बिजली शुल्क वापस ले लिया है। इस संबंध में यहाँ के ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि बड़ी बिजली की दरों को वापस लेने से डिस्कॉम पर हर साल 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नियामक आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने सितंबर 2016 से कृषि कनेक्शनों पर 25 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाकर 1.15 रुपए कर दिया है। नियामक आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने सितंबर 2016 से कृषि कनेक्शनों पर 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 1.15 रुपए कर दिया था। इसी तरह अनमीटर्ड विद्युत कनेक्शनों का चार्ज 85 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए तक कर दिया गया था। इन दोनों वृद्धि को तत्काल वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जिन काश्तकारों ने सितंबर से ये बिल जमा कराया है, उनको अगले बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए सिविल लायबिलिटीज की अधिकतम राशि 4 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा समझौता राशि की दर को भी 2000 रुपए प्रति हॉर्स पावर से घटाकर 1000 रुपए प्रति हॉर्स पावर कर दिया है। यहाँ की सरकार ने VCR में किसानों की शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर VCR मॉनिटरिंग समिति गठित की है। इन समितियों में VCR जांच के लिए 60 दिन तक शिकायत प्राप्त होने पर 15 दिन में निस्तारित किया जाएगा। जिन किसानों के मीटर सही से चल रहे हैं, ऐसे काश्तकारों के लोड की जांच नहीं की जाएगी। और उन किसानों के लिए ये तो खुशी की बात है जिन्होंने दिसंबर 2014 के बाद भी किसी कारण मांग राशि जमा नहीं कराई है, उनके लिए एक और अवसर दिया जाएगा ताकि वे अपनी मांग पत्र जमा करा कर कृषि कनेक्शन ले सके। पिछले हफ्ते ग्रेटर नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प संपन्न हुआ। यह हैंडीक्राफ्ट मेला दुनिया भर के हस्तशिल्प व्यापारियों के लिए आयोजित किया गया था। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चले इस मेले की खास बात ये रही कि हस्तशिल्प से जुड़ी 4000 से अधिक कंपनियों या व्यक्तियों ने इस मेले में हिस्सा लिया। इस हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस बार नॉर्थ ईस्ट के राज्य मेले की थीम स्टेट्स है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद इस मेले का आयोजन कराती है। विश्व में भारतीय हस्तशिल्प की अपनी अलग पहचान है और विश्व बाजार में केवल चीन से ही भारत की होड़ है। मेले में आए राजस्थान के हस्तशिल्प व्यापारी श्री दिलीप वैद्य ने कहा कि समय के साथ हम लोग हस्तशिल्प उत्पादों में काफी बदलाव कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर और दूसरी आधुनिक तकनीकों की मदद से हस्तशिल्प उत्पादों को व खूबसूरत बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें आएगा, देखिए हैंडीक्राफ्ट में भी एक थोड़ा सा चेंज आया। अगर मिडिल क्लास को भी इन्वॉल्व करना है, जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को, इसमें थोड़ा बहुत यूटिलिटी का यूज़ मशीन का होना ज़रूरी है टूल्स में। ओवरऑल इसका लुक हैंडीक्राफ्ट रहेगा, फिनिशेस हैंडीक्राफ्ट रहेंगे, जहाँ यूटिलिटी पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉम्बिनेशन लाना ज़रूरी है, जो अब ला रहे हैं। इससे क्या है, प्रोडक्ट एक तो ड्यूरेबल हो जाता है और थोड़ी सी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है, और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये भी इसी को मदद कर रहा है। इसके अलावा मैं हैंडीक्राफ्ट में हमने कई ऐसे पॉकेट्स हैं हैंडीक्राफ्ट को इंटरनेशनल लेवल पे लाए हैं, जैसे पेपर मैशी है, टेराकोटा है, एक सिंपल कुमार है, उसको हमने इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के साथ बैठा के प्रोडक्ट को इतना सुंदर इंटरनेशनल बनाया है कि अब वो सब जगह एक्सेप्ट होता है। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नासिक में किसानों की मदद के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा कदम उठाया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नासिक में किसानों की मदद के लिए भारतीय रेलवे सामने आया है।
प्याज की बम्पर पैदावार के कारण दाम गिरने से किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए मध्य रेलवे ने प्याज की ढुलाई के लिए नासिक से एक और मालगाड़ी उपलब्ध कराई है। इससे प्याज की ढुलाई में 30% का इजाफा होगा। आपको बता दें कि देश में होने वाले प्याज का कुल उत्पादन में से 30% उत्पादन नासिक करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं देश डायरी। नासिक में किसानों की मदद के लिए भारतीय रेलवे सामने आया है। प्याज की बम्पर पैदावार के कारण दाम गिरने से किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए मध्य रेलवे ने प्याज की ढुलाई के लिए नासिक से एक और मालगाड़ी उपलब्ध कराई है। इससे प्याज की ढुलाई में 30% का इजाफा होगा। इससे पहले भी 3 मालगाड़ियां प्याज की ढुलाई में लगी हुई है। आपको बता दें कि देश में होने वाले प्याज का कुल उत्पादन में से 30% उत्पादन नासिक करता है। भारतीय रेलवे ने कहा कि इस बार प्याज की फसल पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुनी हुई है। रेलवे पिछले साल के मुकाबले पहले से ही 50% अधिक मालगाड़ी उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा एक और मालगाड़ी उपलब्ध कराने से प्याज ढुलाई क्षमता 30% और बढ़ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नासिक से देश के उत्तर पूर्व और पूर्वी तटीय हिस्सों की मंडियों में प्याज भेजा जा रहा है। शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए अब जल्द ही 90,000 से ज्यादा सस्ते मकान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने शहरी गरीबों के लिए सस्ते मकान के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरों में गरीबों के लिए 5,590 करोड़ रुपए के निवेश से 90,095 सस्ते मकान बनाए जाएंगे। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,188 करोड़ रुपए की होगी। यहां पर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां के 49 शहरों में 5,260 करोड़ रुपए के निवेश से 82,262 सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के 24 शहरों में 240 करोड़ रुपए के निवेश से 4,915 सस्ते मकान बनाए जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के 24 शहरों में 240 करोड़ रुपए के निवेश से 4,915 सस्ते मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ दादर व नगर हवेली की राजधानी सिलवासा में भी 26 करोड़ रुपए के निवेश से 803 मकान बनाए जाएंगे। अभी तक केंद्र सरकार शहरी गरीबों के लिए 89,072 करोड़ रुपए के निवेश से 16,51,687 मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार ने 2015 की अपनी खनन नीति में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने अब फैसला लिया है कि सभी तरह के पट्टों का आवंटन अब ई नीलामी से होगा। इन्होंने कहा कि अगर किसी की निजी जमीन से खनिजों की खुदाई के लिए पट्टे जारी होते हैं तो खनन का सबसे पहला हक जमीन के मालिक का होगा। इसके बाद निजी खातेदारी के पट्टे की भी ई नीलामी के जरिए की जाएगी। इसके अलावा नीति में ये भी बदलाव किया गया है कि सभी नए खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए और नई खदानों के लाइसेंस 30 साल के लिए जारी किए जाएंगे। जिन खनन पट्टों और खदानों के लाइसेंस की समय सीमा 31 मार्च 2022 है उनकी समय सीमा को भी 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि खनन पट्टे हस्तांतरण के लिए लॉक इन अवधि 2 साल की बजाय 1 साल रहेगी। 2 खनन पट्टों के आवंटन के बीच कोई फासला नहीं छोड़ा जाएगा जिससे अवैध खनन को रोका जा सके। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ग्रीष्मकालीन धान का रकबा घटाकर सरकार दलहन तिलहन एवं मक्के के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मक्के के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना लागू की है। मक्का प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रीष्मकालीन मक्के के लिए किसानों को सरकार के तहत अनुदान दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस योजना का लाभ हर वर्ग के किसान ले सकते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के किसान ही क्यों न हो। वैसे कृषि विभाग के पास योजनाओं की कमी नहीं है, किसानों को जरूरत है तो सिर्फ योजनाओं को जानकर उनका लाभ उठाने की। इस समय ज्यादातर किसान खाली बैठे हैं। किसानों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं है। अगर वे दूसरी कोई फसल लगाते हैं तो अगले साल की खरीफ की खेती पिछड़ेगी। इस बीच शासन ने मक्का प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। मक्का सिर्फ 3 महीने की फसल है, कम सिंचाई में भी इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। यही वजह है कि ग्रीष्मकालीन धान के मक्के को कम कर सरकार किसानों को मक्के की खेती से जोड़ना चाह रही है।
ताकि अगले साल के खरीफ की खेती से पहले खाली बचे समय में किसान मक्के का उत्पादन कर लाभ कमा सके। इसके लिए सरकार के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। जो किसान मक्का उत्पादन के लिए उत्सुक हैं, उन्हें विभाग द्वारा मक्का बीज, रासायनिक उर्वरक व अन्य सामग्री दी जा रही है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ, और आपको बताएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरों के बारे में। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी, और अपनी दोस्त साबिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।